महोबा में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी की शर्मनाक करतूत ने मानवता को शर्मसार किया है, जिसमें एक बीमार बेटे को खून चढ़ाने के नाम पर उसकी मां के जेवर तक बिकवा दिए। यही नहीं, बेटे को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाकर उसे ठग भी लिया। यूपी में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन तैनात कर्मचारी सिर्फ पैसा ऐंठने में लगे रहते हैं। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान का रूप माना जाता है, वो खुलेआम रिश्वत लेने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला महोबा जिला अस्पताल में उस समय देखने को मिला जब एक बुजुर्ग माँ अपने तड़पते हुए बेटे के लिए खून का इंतजाम करने के लिए गुहार लगा रही थी और उसके साथ एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने खून दिलाने के नाम पर 5,000 की ठगी कर डाली। दरअसल आपको बता दें कि श्रीनगर थाना क्षेत्र के भड़रा गांव की रहने वाली राम कुमारी अपने बड़े पुत्र जुगल के बीमार होने पर उसे इलाज के लिए बीती सोमवार महोबा जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी। उसके बीमार पुत्र को देखते हुए तैनात डॉक्टर ने तत्काल शरीर में खून की कमी बताते हुए खून चढ़ाए जाने के लिए कहा, लेकिन जिला अस्पताल में खून की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में पीड़िता परेशान हो गई। आरोप है कि जिला अस्पताल में तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मी राजकुमारी ने इसका फायदा उठाते हुए महिला से 5,000 रुपए खून दिलाने के एवज में ले लिए और भरोसा दिलाया कि उसके पुत्र को खून चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन बुजुर्ग महिला को क्या पता था कि महिला स्वास्थ्य कर्मी उसके साथ धोखा कर रही है और उसके पुत्र को आज ग्लूकोज में लाल रंग का इंजेक्शन मिलाकर चढ़ा दिया गया। अनपढ़ महिला के साथ महिला स्वास्थ्य कर्मी ने 5,000 की ठगी कर डाली। यही नहीं, महिला बताती है कि जिला अस्पताल में पुत्र को भर्ती करने के एवज में भी उससे 200 रुपए लिए गए और रोजाना इंजेक्शन लगाने के नाम पर भी 100 रुपए अस्पताल में वसूले गए। पीड़िता बताती है कि उसके पास अपने पुत्र का इलाज कराने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वह अस्पताल में निःशुल्क इलाज की उम्मीद लेकर पहुंची थी, लेकिन सिस्टम के दोहरी मार ने उसे तोड़ दिया और एक माँ को अपने पुत्र की जान बचाने के लिए अपने कान के बाली और अंगूठी बेचनी पड़ गई। फिर भी जिला अस्पताल में तैनात भगवान कहे जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का दिल नहीं पसीजा। उसका पुत्र जिंदगी और मौत के बीच जिला अस्पताल में भर्ती है। जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला के साथ खून दिलाने के नाम पर हुई ठगी का मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है, तो जिम्मेदार जांच के बाद कार्यवाही की बात कर रहे हैं। वहीं बुजुर्ग महिला को हर मदद का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। माता जी आपको? राम कुमारी। कौन गांव से आई हैं? भड़रा से। क्या हो गई थी, काय अस्पताल में बैठी हैं? अब ये बीमार हते तो भर्ती करवा रहे थे हमने, हैं एक पंडित आए थे तो उनने भर्ती करवाया था, राजू महाराज है, तो हमने अपने कान के बेचे इतना भैया भी भोलू सुबह अपने भड़रा चले गए गाँव के यहाँ इतना ही रहते हैं हवेली दरवाजे है, तो कान की बिकवाए हमने दो अंगूठियों कान की, जब भी पैसा आए हम आए। किस लिए बेचे को? क्यों बेचना? खून के लाने कि खून चढ़ेगा हमारे लड़का ठीक हो जाएगा है। किसने चढ़ाया खून? कोई ने नहीं चढ़ाया, वे कात रही राजकुमारी मैडम कि पैसा जमा कर दो सो हम खून चढ़वा देंगे मिलेगा जैसे, और उन्हें खून उन नहीं मिला है, हमको झटका मारती रही दो दिन से है, तो फिर वो आके इंजेक्शन लगा दे और ये बोतल में पानी भर के वो चढ़ा गई जल्दी जल्दी, फिर हमें बुला ले गई कमरे में, कहती तुम हल्ला ना करियो को से। कितने पैसा लगे उनसे? 5,000 पूरे। आपने किसी से कहा नहीं? हमने इसे नहीं कहा कि चलो खून चढ़ेगा, जब खून ना चढ़ाए जब बोलेंगे हम। क्या उनने चढ़ाया आप? कुछ नहीं, ये पानी चढ़ा दिया ये दो ठो इंजेक्शन डाल के। विषय में बहुत जानकारी नहीं है कि उसने बाले बेचे, उसने बताया जरूर कि उसने गहने बेचे हैं, बट उस पर हम पूरा विस्तार से उसका सब लिखित ले रहे हैं और जो अभियुक्त गण जिनको वो बता नहीं तो उस पर उनको बुलवा के और फिर उनके इनसे लिखित लेके और विधिक दंडात्मक कार्रवाई जो सुनिश्चित। तो तरीके से कहा गया है कि ब्लड चढ़ाने के नाम पे 5,000 रुपए वसूले गए हैं, उससे पहले भर्ती के नाम पे 1,500 रुपए वसूले गए थे, डेली इंजेक्शन के नाम पे 100 रुपए वसूले गए। ये जानकारी इसने आज ही दी है, ये
महिला अपने बच्चे को लेकर सोमवार से भरती है, लेकिन इसने आज तक कभी किसी को नहीं बताया कि 100 रुपए लिए, 200 रुपए लिए। और आज भी जब इसके इतने बेचारी ने जब ये गहने बेचे तब ये जानकारी, दुख तो स्वाभाविक है और हम लोग को सबको हुआ है, और मतलब इस पे जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो करेंगे और इसका जो भरपूर इलाज है वो पूरा होगा और जो संभव मदद होगी इसकी वो यहाँ पे अस्पताल में हम लोग करें। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने की है, लेकिन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने वाले मरीजों के साथ दोहन कर रहे हैं, जिसकी प्रताड़ना बुंदेलखंड के महोबा के जिला अस्पताल में इस बुजुर्ग माँ के साथ घटित हुई है। अब देखना होगा कि मामले में जिम्मेदार अधिकारी आरोपी स्वास्थ्य कर्मी पर क्या कार्यवाही करते हैं। महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट। आधुनिक दौर में बेहतर शिक्षा का एक ही विकल्प मून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मॉड झांसी। स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस टीचर्स, इंटरनेशनल गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा एंड जिमनेजियम, म्यूजिक एंड डांस क्लासेस, एडवांस लाइब्रेरी, स्मार्ट कंप्यूटर एंड साइंस लैब सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एकमात्र विद्यालय मून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कानपुर रोड मॉड झांसी। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि BA, BEd BCom, BSc बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।